रवि साहू और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। बिहार में जो है इस वक्त मतगणना के रिजल्ट हमारे सामने आते जा रहे हैं। बिहार में जो इस वक्त स्थिति है, बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए 127 सीटों पर आगे चल रहा है। अगर मैं बात करूं आरजेडी की तो आरजेडी इस वक्त 105 सीटों पर आगे चल रही है। पहले ये आंकड़ा कुछ ज़्यादा था लेकिन ये आंकड़ा फिलहाल यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। और मैं बात करूं अगर अन्य और भी पार्टियों की तो वहां पर जो लोजपा है वो 7 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, 4 सीट जो है और पर अन्य ने बढ़त बनाई हुई है। ये है बिहार का पूरा रिजल्ट। बिहार में जहां नीतीश इस वक्त जो है मजबूत दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं बात करूं एग्जिट पोल की तो नीतीश कुमार को पूरी तरीके से एग्जिट पोल ने नकार दिया था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही नज़ारा दिखाई दे रहा है। 127 सीटों पर एनडीए का जो गठबंधन है वो आगे बना हुआ दिखाई दे रहा है। और जो आरजेडी की जो टीम है, जो आरजेडी का जो महागठबंधन है वो 105 सीटों पर यहाँ पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहा है। लोजपा की मैं बात करूं तो 7 सीटों पर लोजपा के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं और 4 सीटों पर अन्य लोगों ने बढ़त बनाई हुई है। ये है बिहार का इस वक्त का ताज़ा तरीन रुझान। तेजस्वी यादव यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, 105 सीटों पर वो आगे हैं। पिछली बार की अपेक्षा वो कई गुना ज़्यादा यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं। जो नीतीश कुमार हैं उनका जो गठबंधन है उनका गठबंधन में 127 सीटों पर वो आगे दिखाई दे रहे हैं। तो जितना हल्के में नीतीश कुमार को यहाँ पर एग्जिट पोल में लिया गया, यहाँ पर एग्जिट पोल फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार यहाँ पर 127 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, उनका गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं 105 सीटों पर जो है आरजेडी जो है महागठबंधन जो है वो बढ़त बनाए हुए है। अब देखना ये होगा कि आगे स्थिति क्या होती है। पूरा रुझान हम आपको समय समय पर अपडेट कराते रहेंगे। अभी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।